विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 2 लाख कैश सहित मौके पर 14 जुआड़ियों को किया गया गिरफ्तार। बड़े व्यापारियों द्वारा खेला जा रहा था जुआ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बीती रात रीवा SP राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से मिली सूचना के बाद विश्वविद्यालय थाना प्रभारी शिव पूजन विशेन, उप निरीक्षक संग्राम सिंह सहित स्टाफ के साथ SP कार्यालय में पदस्थ आरक्षक जावेद खान के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित जुए की फड़ में पुलिस ने दबिश दे दी। पुलिस के पहुंचते ही जुआड़ियों में हड़कंप मच गया। देखा गया था कि बड़े व्यापारी जुआ खेल रहे थे, वहीं पुलिस ने जुआ खेलने वाले के पास से 2 लाख से ज़्यादा नकदी सहित ताश के पत्ते बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 14 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। थाना विश्वविद्यालय के सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जुए की फड़ चलाई जा रही है। उस सूचना को तस्दीक करने के बाद उन्होंने रेड की कार्रवाई की। करीब 14 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जिनसे करीब 2,01,000 रुपये जब्त हुए। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण उनके ऊपर महामारी अधिनियम के तहत और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन की भी धाराओं में कार्रवाई की गई। हाँ, सभी भाई इतना बड़ी राशि का है तो कोई गरीब आदमी नहीं खेल रहा होगा, संपन्न लोग ही खेल रहे थे। सबको पकड़ा गया, सबके खिलाफ कार्रवाई की।